फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इन्वेंशन हुआ और फिर आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया अपना एक बिल्कुल नया कंसेप्ट देकर, जिसे कहा गया पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। जो ये सारा का सारा कंसेप्ट था आइंस्टीन का, आइंस्टीन ने कहा कि फोटोन बिहेव एज ए पार्टिकल, है ठीक है वो एनर्जी है लेकिन पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। तब हम कहते हैं क्या, ये क्या कंसेप्ट दिया आइंस्टीन ने, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। आइंस्टीन ने वेव को पार्टिकल बना दिया, आइंस्टीन ने वेव को पार्टिकल बना दिया, पार्टिकल नेचर। दैट्स व्हाई वी से देयर इज डुअल नेचर, रेडिएशन के दो नेचर है। कभी तो वो वेव की तरह बिहेव करता है, कहां डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, और कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है कहां फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्प्टन इफेक्ट। कॉम्प्टन इफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है। और यहां से ये बात एस्टेब्लिश हो गई, पूरी तरह से समझ आ गया सबको कि वेव के रेडिएशन के दो नेचर है। वेव नहीं कहेंगे इसे हम, रेडिएशन, रेडिएशन के दो नेचर है, एक नेचर वेव नेचर, दूसरा नेचर पार्टिकल नेचर। सब कुछ सही हो गया, सबको बात समझ आ गई, एस्टेब्लिश हो गए सारे के सारे रूल्स, सारे लॉज। अब डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे, आपने केमिस्ट्री में भी नाम सुना होगा इनका, उन्होंने थोड़ा सा और इससे आगे की बात सोची। हमारा ये पूरा यूनिवर्स, हमारा ये पूरा नेचर सिमेट्रिकल है, सारे फिनोमिनल्स जितने भी हैं सब सिमेट्रिकल होते हैं। अगर आप इस पेन को यहां छोड़ रहे हैं तो सिर्फ पेन अर्थ की तरफ नीचे नहीं गिर रहा, अर्थ भी उठकर पेन की तरफ आ रही है, बहुत कम है उसका एक्सेलरेशन जिसको हम फील नहीं कर सकते। तो डी ब्रॉगली ने यह कहा कि नेचर हमारा सिमेट्रिकल है, नेचर हमारा सिमेट्रिकल है। अगर कोई रेडिएशन, अगर कोई वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो कहीं ना कहीं हमें ढूंढना पड़ेगा कि पार्टिकल भी वेव की तरह से बिहेव कर रहा है। अगर एक वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है तो पार्टिकल भी कहीं ना कहीं वेव की तरह ही बिहेव कर रहा होगा। हालांकि वो खुद इस बात को प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन सोचा उन्होंने, एक थिंक दिया, एक थॉट उन्होंने दिया, और उनकी इस सोच का नतीजा है कि आज हमारे माइक्रोस्कोप बहुत पावरफुल हो गए, बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो इवन डीएनए या और दूसरे जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स तक को दिखा देता है। इतने पावरफुल माइक्रोस्कोप बन गए डी ब्रॉगली की एक सोच की वजह से केवल, जिसे वो प्रूव नहीं कर पाए अपनी सारी जिंदगी। उन्होंने कहा कि अगर वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है और हमारे इस नेचर में हमेशा एक सिमेट्री बनी हुई है तो कहीं ना कहीं पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करेगा। हम उसको फील नहीं कर पाए एक अलग बात है, हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाए अलग बात है। अगर ऑब्जर्व नहीं कर पाए तो कोशिश कीजिए ऑब्जर्व करने की। एक कहीं से एक धार, एक स्ट्रीम आ रही है, जैसे ये आपका खिड़की है, खिड़की या दरवाजे, उनके बीच में कहीं से छोटा सा होल हो रहा है और आप देखते हैं कि कमरे के अंदर अंधेरा, बाहर से धूप आती हुई, एक स्ट्रीम बननी। कोई भी एक स्ट्रीम वेव है या नहीं, इसका आप कंफर्मेशन कैसे करेंगे? धूप बाहर से आपके खिड़की दरवाजे के एक होल से अंदर आ रही है स्ट्रीम बनाती हुई, ये धूप वेव है या नहीं, इस बात का आप कंफर्मेशन कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, या तो डिफ्रेक्शन करा के देख लो, या इंटरफेरेंस करा के देख लो, या पोलराइजेशन करा के देख लो, है ना। सबसे बढ़िया प्रूफ होता है, जो सबसे आसान तरीका है, इंटरफेरेंस करा के देख लो। अगर इंटरफेरेंस शो कर रहा है, कहीं इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही मैक्सिमम बन रहा है और कहीं कॉरेस्पॉन्डिंगली इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एनर्जी का,
इंटरफेरेंस क्या है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, कहीं एनर्जी बढ़ रही कहीं एनर्जी घट रही है, तो निश्चित रूप से ये वेव है, निश्चित रूप से ये वेव है। और किसी स्ट्रीम के बारे में आपको कंफर्म करना है कि वो पार्टिकल है या नहीं, तो सिंपल सी बात है, या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा के देखो उससे, या कॉम्पटन इफेक्ट करवा के देखो। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर देता है तो सीधे सीधे पार्टिकल है, पार्टिकल है। तो किसी भी पार्टिकल को अगर ये प्रूफ चाहिए, डी ब्रॉगली ने कहा कि पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पार्टिकल से इंटरफेरेंस कराना पड़ेगा। और अगर बहुत सारे पार्टिकल्स ने मिलकर के कहीं इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, कहीं इंटेंसिटी डिक्रीज कर दी, मैक्सिमा और मिनिमा की फॉर्मेशन हो गए, तो वेव नेचर पक्का हो गया पार्टिकल का, वेव नेचर पार्टिकल का पक्का हो गया। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम में वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी जिससे कि पार्टिकल का इंटरफेरेंस कराया जा सके। आज भी बहुत मुश्किल है, हम कितनी वेवलेंथ ऑब्जर्व कर सकते हैं, आज भी जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो छोटी से छोटी गामा रेडिएशन तक को ऑब्जर्व कर सकते हैं। गामा रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1 एंगस्ट्रॉम तक, 0.1 एंगस्ट्रॉम समझते हो, 10 to the power -11 meter, 10 to the power -10 meter होता है 1 एंगस्ट्रॉम। तो 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1 एंगस्ट्रॉम तक की होती है गामा रेडिएशन, इसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर वेवलेंथ इससे छोटी है, कहीं भी किसी भी रेडिएशन की वेवलेंथ 0.1 मीटर से भी छोटी है, तो फिर उसे हम, अभी हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो उसे पकड़ सके, उसको किसी भी रूप में डिटेक्ट कर सके। गामा रेडिएशन तक तो डिटेक्ट हो जाता है आराम से। अब इंटरफेरेंस अगर कराना है किसी वेव से इंटरफेरेंस अगर कराना है, तो आपको स्लिट चाहिए, दो स्लिट चाहिए इंटरफेरेंस के लिए, डिफ्रैक्शन के लिए सिंगल स्लिट चाहिए। हाँ, याद कीजिए कि जब हमने ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पढ़ा था, तो वहां एक खास बात सामने आई थी, एक क्वेश्चन था जो हमने थ्योरी के साथ ही कवर अप कर लिया था, कि ये खिड़की है, दो खिड़कियां हैं, यहां से लाइट पहुंच रही है, धूप पहुंच रही है सामने वाली दीवार पर, यहां तो मैक्सिमा मिनिमा नहीं दिखाई दे रहा हमें कभी भी, यहां तो मैक्सिमा मिनिमा नहीं दिखाई दे रहा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? या इसी क्वेश्चन का एक दूसरा रूप था कि नीचे, वहां नीचे ऑफिस में कोई बाहर अगर खड़ा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसकी आवाज सुनाई दे जाती है। हालांकि बहुत बचपन की बातें हैं ये, बहुत ही बचपन की बातें हैं ये, जब आप बिल्कुल छोटे छोटे से थे और मैं आपको प्यार से कुछ पढ़ाया करता था, बेटा देखो ये इंटरफेरेंस है। हम इन दो खिड़कियों से इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बना सकते दीवार पर, रीजन ये है कि इन खिड़कियों का, इन विंडोज का एपर्चर साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत बड़ा है, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस शो नहीं कर सकता है। लेकिन साउंड क्यों मुड़ जाती है किनारों पर, साउंड का डिफ्रैक्शन क्यों हो जाता है? क्योंकि साउंड की वेवलेंथ और ये जो हमारी दीवारें, खिड़की, दरवाजे, इनकी साइज लगभग लगभग एक ही जैसे, सेम ऑर्डर के हैं, तो हमें साउंड जो पीछे की सुनाई देती है वो एक्चुअली दीवार के किनारे से, खिड़की के किनारे से मुड़ गई, डिफ्रेक्शन हो गया, इंटरफेरेंस भी साउंड का आराम से हो जाता है। तो अगर हमें किसी वेव से इंटरफेरेंस कराना है, तो सिंपल सी बात यह है कि इंटरफेरेंस बनाने के लिए जो स्लिट हमें चाहिए, उन स्लिट का साइज उसी ऑर्डर का होना चाहिए जिस ऑर्डर की वेवलेंथ है, जिस ऑर्डर की वेवलेंथ है ना। तो अब हम देखते हैं कि एक पार्टिकल का इंटरफेरेंस कराने के लिए कितनी साइज की स्लिट चाहिए, कितने साइज की चाहिए, जितनी उसकी वेवलेंथ होगी उससे थोड़ी छोटी थोड़ी बड़ी काम बन जाएगा।
हम फाइंड करते हैं, अगर एक चलती हुई बॉल जो किसी क्रिकेटर ने फेंकी है, अगर वो चलती हुई बॉल वेव है तो उसकी वेवलेंथ कितनी है? अगर एक चलती हुई वेव एक बॉल है, एक चलती हुई बॉल अगर एक वेव है, तो हम पता लगाएंगे कि इसकी वेवलेंथ है कितनी। वो भले ही हम महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन कैलकुलेशन डी ब्रॉगली के हिसाब से कर सकते हैं। लिखते हैं थोड़ा सा पहले, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, कैपिटल डी स्मॉल ई डैश लगाकर लिखते हैं, ब्रॉगली बी आर ओ, कैपिटल बी लगाना, लेनार्डो डा विंची जैसा लिखा जाता है ये, डी ब्रॉगली। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट, डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट द नेचर इज सिमेट्रिकल, दैट द नेचर इज सिमेट्रिकल इफ अ वेव शोज पार्टिकल नेचर, इफ अ वेव शोज पार्टिकल नेचर, इफ अ वेव शोज पार्टिकल नेचर, द पार्टिकल मस्ट शो वेव नेचर, द पार्टिकल मस्ट शो वेव नेचर। द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड, विद द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव, MATTER, मैटर वेव, और डी ब्रॉगली वेव, और मैटीरियल वेव, और मैटीरियल वेव। ठीक है, अब कितनी वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, लिखते हैं आगे एक छोटी सी सब हेडिंग, वेव एसोसिएटेड, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मैटर वेव, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मैटर वेव, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मैटर वेव। ठीक है, अभी यहां से देखिए, ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, बस यहीं से ले लीजिए इसे, यहीं से आप लीजिए पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, एच अपॉन पी, यानी प्लैंक कांस्टेंट अपॉन, प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, लिखिए इतनी छोटी सी बात थी, लिखिए छोटी सी बात।